स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। अभी हम बात करेंगे कि पात गोभी की खेती हम कैसे करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, इसमें लागत क्या होती है और जो है इसका मुनाफा इसमें कितना मिलता है, और जो है यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, और यदि आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं कि गोभी पात गोभी की खेती कैसे करें। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? उदयराज मौर्य, मिर्जापुर चौहारी, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। जी, तो अभी हम जैसे कि पात गोभी की खेती करना चाहें तो पात गोभी की खेती कैसे करें, पात गोभी की खेती किस महीने में की जाती है? पात गोभी खेती अगस्त महीने में बेहन डाल दी जाती है, उसके बाद 20 से 25 दिन में बेहन तैयार हो जाता है। जी, उसके बाद उसको उखाड़ के दूसरे खेत में लगाया जाता है। पात गोभी को लगाने के लिए सबसे पहले इसका जो है एक नर्सरी तैयार की जाती है, बेहन डाली जाती है, उसके बाद उसे उखाड़ कर दूसरे खेत में लगाया जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि जब हम खेत में लगाते हैं तो खेत को कैसे बनाएं? बस वही रोटावेटर से 2-3 बार जुताई कर दिया जाता है। जी, उसके बाद कूला बना दिया जाता जी, है। जी, उसके बाद में बेहन को उखाड़ के लगा दिया जाता है। उसके बाद फौहारा या टोटी से हाँ, जो है तो लगाने के बाद लगाने के कितने दिन बाद उसकी सिंचाई की जाती है? लगाने के तुरंत बाद 2-3 दिन तक लगातार सिंचाई करते हैं उसके जी, फौहारा या लोटा से। जी जी, जैसे भी आपके पास सुविधा हो आप उस सुविधा से इसकी सिंचाई कर सकते हैं 2-3 दिन बाद। उसके बाद उसमें जब गाथी मिट्टी पकड़ लेता है तो 25-30 दिन के अंदर इसकी सिंचाई कर देते हैं। जी, सबसे पहले बेहन लगाने के बाद नर्सरी जो तैयार होती है उसे लगाने के बाद फौहारे से उसको जो है सिंचाई करते रहें, जब वो मिट्टी पकड़ ले 3 दिन तक लगातार उसकी सिंचाई करते रहें, जब फिर मिट्टी पकड़ ले तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद जो है एक गुड़ाई कर देना चाहिए। जी, जब वो मिट्टी पकड़ ले खूब अच्छी तरह से जो है तो खड़े हो जाएं सभी पेड़ तो उसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। जी, गुड़ाई करते समय किस बात को ध्यान देना चाहिए? इसका जो पौधों की बीच की दूरी होती है जी 2 से 2.5 फीट। जी, गुड़ाई करते समय पौधों की जो बीच की दूरी होती है 2 से 2.5 फीट होती है, इतना ध्यान देना चाहिए कि पौधे के अगल बगल कहीं डैमेज ना हो। जी, तो ये जो पौधों की बुआई करते समय 2 से 3 फीट की दूरी रखी जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अगर पौधा बड़ा लेना है जी, फल बड़ा लेना है जी, तो उसके लिए जो है काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है जी, नहीं तो वही छोटे फल आते हैं जी। ये जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि 2 से 3 फीट की दूरी पे एक एक पेड़ लगाया गया है, इससे जो है हमारे किसान भाइयों को ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो लगने वाले फल होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और अच्छे फल होते हैं, जिससे जो है उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा मिलता है। तो पात गोभी में जो है लगभग कितनी बार सिंचाई करनी पड़ती है पात गोभी की खेती करने पर? 3 से 5 बार पात गोभी की सिंचाई करते समय जो है हम अपने खेतों को सिंचाई करते हैं। तो इसका जो तैयार होने का एक टाइम होता है सर, वो टाइम कितने दिनों का होता है, मतलब ये कितने दिनों में तैयार होती है? 2.5 से 3 महीने में ये पूरी तरह से तैयार होती है। अभी इसका मार्केट रेट क्या है? इसका भी मार्केट 15 रुपये है, 12 रुपये है, जैसे छोटा बड़ा फल जैसे है। जैसे इसका फल होता है ये एक पीस के हिसाब से बाजार में बिकता है, जैसे ये एक पीस है बड़ा फल है तो ये उसी हिसाब से जो है आपको बाजार में बिचेगा। तो इसमें सर जो है पूरी लागत क्या होती है, इसकी खेती करने में लागत कितनी लगभग कितनी आती है? एक बिस्वे में जी मान चलिए 3,000 रुपये। एक बिस्वे में इसकी लागत जो होती है वो लगभग 3,000 रुपये की होती है जी। तो जो है और इसमें जो है मुनाफा कितना होता है हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं? मुनाफा अगर 10 रुपये में बिक जाता है तो 10,000 रुपये हुआ जी, 15 बिक गया 15 हुआ जी, जैसे और कि कम का बिका तो और कम हुआ जी। तो इसमें जो है ज़्यादा चांस घाटा का होता है या फिर मुनाफे का होता है? मुनाफे का होता है, ज़्यादा चांस मुनाफे का होता है। इसमें दवा का छिड़काव किस टाइम किया जाता है? छिड़काव इसमें तो जब वही अप्रैल के बाद रिका थी, मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता जी, तब हमें कीटाणु लगा थी जी, फफूदी पड़ने लगी, फफूदी लगती है जी, वही छिड़काव करना पड़ता है और इसमें तो दवा लगती है जी। दवा इसमें नहीं लगती है, ज़्यादा दवा का छिड़काव इसमें नहीं किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और स्वदेशी ये फल होते हैं, ये सब्जी होती है, इसमें जो है दवा का छिड़काव
अप्रैल के महीने में किया जाता है, जब टेम्परेचर हाई होता है और गर्मी अधिक पड़ती है, तो इसमें फफूंदे लगने लगते हैं उस टाइम हमें कीटनाशक दवाओं का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें लगभग जो है जो रेट होता है वो कितने हद तक नीचे गिर सकता है? सबसे सस्ता रेट ₹5। ₹5 से नीचे नहीं जा सकता। और इसका जो अधिकतम रेट है वो कितने रुपए तक? तो भाई यही चल रहा है ₹12। ₹12, ₹15, ₹20 तक जा सकता है, जिससे कि किसानों को अधिक लाभ हो सकता है। मेरे प्यारे किसान दोस्तों, इस तरीके से आप पात गोभी की खेती कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और आप पात गोभी की खेती करें, पात गोभी की खेती में कम लागत होती है और अधिक मुनाफा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। नमस्कार।